सूखे से प्रभावित किसानों की करें मदद। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश। आपदा प्रबंधन विभाग किसानों की फसल की क्षति का आकलन करने में जुटा। सीएम नीतीश कुमार आज समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। सराय रंजन में बना है समस्तीपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज। वित्त मंत्री विजय चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है सराय रंजन। डेंगू को लेकर जिबिहार झारखंड की खबर का सहारा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। कुव्यवस्था की शिकायत पर सुविधा बहाल करने का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बढ़ते डेंगू मामले पर दिया बयान। कहा प्रदेश में डेंगू का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली की सैर कर रहे हैं। प्रदेश में केवल कागजी खानापूर्ति पर सरकार चल रही है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने पिछड़े और अति पिछड़े के आरक्षण को लेकर किया ऐलान। अति पिछड़ों को लेकर सड़क पर उतरेगी वीआईपी। 14 नवम्बर से होगी आंदोलन की शुरुआत। जन सुराज पदयात्रा के 12वें दिन पश्चिम चंपारण के बलथर पहुंचे प्रशांत किशोर। कहा जन सुराज मतलब जनता का राज, ना कि लालू नीतीश या मोदी का राज। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा। नीलम देवी और सोनम देवी में होगी कांटे की टक्कर। गोपालगंज उपचुनाव के लिए महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 3 नवम्बर को उपचुनाव होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख। पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर गरमाई सियासत। बिहार के हर जिले में जेडीयू का पोल खोल अभियान। बीजेपी का पलटवार। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश आरक्षण के सबसे बड़े खलनायक। पटना में जेडीयू की पोल खोल अभियान के जवाब में बीजेपी 17 अक्टूबर को धरना देगी। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ का अभियान बीजेपी चलाएगी। पटना में जेडीयू के पोल खोल पर बीजेपी का निशाना। सम्राट चौधरी ने दिया बयान। कहा आरक्षण के सबसे बड़े खलनायक है सीएम नीतीश। आरक्षण के मसले पर महागठबंधन का एक मत नहीं। बेगूसराय में सीपीआई नगर कमेटी ने छठ पर्व को लेकर नगर निगम को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बेगूसराय में कलयुगी पिता की करतूत अपनी ही पुत्री पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। नगर थाना इलाके मुंगेरीगंज मोहल्ले की घटना। पीड़िता ने दर्ज कराया मामला। नालंदा के मानपुर थाना इलाके के गुंगरी गांव में अश्लील डांस के दौरान विवाद में फायरिंग और पथराव। गोली लगने से एक युवक जख्मी। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस गांव में कर रही है कैंप। जमुई में मामा ने 12 साल की भांजी को बनाया हवस का शिकार। नशे में धुत होकर वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर बच्ची के साथ नाना को भी पीटा। आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में हथियार के दम पर कारोबारी से करीब 1 लाख रुपए की लूट। दुकान के अंदर घुसकर दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर। मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधी राजा ठाकुर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गैंगवार में हुई हत्या। पुलिस कर रही सीसीटीवी फुटेज की जांच। बोकारो के 27 लड़कियों को तमिलनाडु की कंपनी ने बनाया बंधक। परिजनों ने लगाया आरोप। झारखंड सरकार से लगाई बेटियों की सुरक्षित घर वापसी की गुहार। सिवान में लोहा व्यवसायी का परिवार दबंगों की ओर से मिल रही धमकी से परेशान। पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर। व्यवसायी जितेंद्र यादव ने पुलिस प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। मुंगेर में बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षिका से रुपयों से भरा बैग लूटा है। तारापुर थाना इलाके का पूरा मामला। पटना सिटी पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 जिंदा पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल भी बरामद किए। भागलपुर में ट्रक चालक से हथियार के बल पर लूट। मधुसूदनपुर थाना इलाके का पूरा मामला। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में महिला चोर की करतूत आई सामने। कालीस्थान मंदिर से महिला ने श्रद्धालु के गले से मंगलसूत्र चोरी कर हुई फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर। सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती इलाके में डकैती मामले में 3 लोग गिरफ्तार। तीनों लोग अपराधियों के लिए करते हैं लाइनर का काम। डकैती की भी घटना में संलिप्तता कबूली है। लखीसराय जिले के बढ़िया थाना इलाके में स्थित डीपीएस स्कूल में चोरी की वारदात। कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे एलईडी टीवी, सीसीटीवी और नकदी लेकर हुए फरार। विक्रम थाना इलाके के खोरेठा गोलाम्बर के पास NH 147 पथ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल। इलाज के लिए PMCH किया गया रेफर। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बखरी थाना इलाके के घाघरा की घटना। रांची के खलारी में पावर प्लांट कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी हुई बेपटरी। 2 इंजन समेत 7 डिब्बा पटरी से उतरा। हादसे के बाद पावर प्लांट में कोयले की कमी की आशंका। सीवान में पुल पर बैठने के दौरान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। हुसैनगंज थाना इलाके के रसूलपुर की घटना है। जांच में जुटी है पुलिस। पटना सिटी के बाईपास पर बेलगाम ट्रक ने एक ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। बाईपास थाना इलाके के गुरु गोविंद सिंह पथ के पास हुआ हादसा।
बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बखरी थाना इलाके के शकरपुरा शिवनगर की घटना, छानबीन में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में थाने में रखी हुई जब्त केमिकल में भीषण आग, कई कार और बाइक जली है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान घर में भीषण आग लग गई है। घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। विक्रम थाना इलाके के महादलित बस्ती में विद्युत विभाग की ओर से बिजली काटे जाने से ग्रामीणों में नाराजगी। गुस्साए लोगों ने रामपुर दुल्हिन बाजार पथ पर की आगजनी और हंगामा। सुपौल जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया विशेष महाअभियान। बरस रमा बकौर मुख्य मार्ग से 1015 बोतल विदेशी शराब भी जब्त की गई, तस्कर भी गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में एक निजी होटल से शराब के नशे में होटल मालिक समेत दो ग्राहक गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, होटल में किया जाता था शराब का इंतजाम। फारबिसगंज में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में की जा रही है फॉगिंग। जल जमाव वाले इलाकों में विशेष रूप से की जा रही फॉगिंग, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नवादा में डेंगू से हो रहे लोगों की मौतों के बाद सांसद चंदन सिंह ने सदर अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, अस्पताल में डॉक्टर की कमी होने पर नाराजगी जाहिर की। बघा स्थित भारत नेपाल सीमा पर बसे लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत का सड़क मार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है और साथ ही आम लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बारिश के बाद हुआ जलभराव, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, 26 अक्टूबर को गंगोत्री और 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। असम के धेमाजी में हुआ है भूस्खलन। असम में बाढ़ से करीब 70,000 लोग प्रभावित। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के मडमो डुमरिया टांट के जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, जंगल में कोयला किया गया था डंप। जमशेदपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर सीता नाला चेक डैम देखरेख के अभाव में हुआ जर्जर। चेक डैम पर प्रकृति का नजारा देखने के लिए दूर दूर से आते हैं पर्यटक, असुविधा से पर्यटक रहते हैं परेशान। दरभंगा जिले के बेनीपुर अनुमंडल के बेगनी में हॉल्ट बनाने को लेकर पिछले 8 दिनों से लोगों को कर रहे हैं रेल चक्का जाम। 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने किया था हॉल्ट निर्माण कराने की घोषणा। धनबाद में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, भगवान हनुमान को खाली नहीं करना पड़ेगा मंदिर। रेलवे के अधिकारियों ने कब्जा छोड़ने का नोटिस हटाया। साहिबगंज में जिला गव्य विकास की ओर से पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का एक दिवस से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया है कि झारखंड सरकार पशुपालकों को 90% अनुदान पर गाय देगी। स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय और राज्य स्तरीय 7 सदस्य टीम सहरसा सदर अस्पताल पहुंची है, गैर संचारी रोग विभाग की व्यवस्था की जांच की गई। साहिबगंज में कालाजार रोगियों के इलाज से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों के इलाज की जानकारी दी गई। खगड़िया में तालाब में डूबने से युवक की मौत होगी, नहाने के दौरान हुआ है हादसा। गोगरी थाना इलाके का ये पूरा मामला। बेगूसराय में पूर्व सैनिक और बीजेपी नेता विजय सिंह की हत्या के खिलाफ पूर्व सैनिक संघ ने आक्रोश मार्च निकाला। 11 अक्टूबर को दिन दहाड़े हुई थी विजय सिंह की हत्या। नवादा में अवैध कब्जे वाली जमीन पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत 25 अवैध घरों को ध्वस्त किया। लोहरदगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को जागरूक किया। ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से आवेदन मांगे जा रहे हैं। रांची के डोरंडा स्थित हजरत रिसालदार बाबा का 115वां उर्स शुरू हुआ है। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कव्वाली जुगलबंदी का उद्घाटन भी करेंगे। बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही पदाधिकारियों को जरूरी आवश्यक निर्देश भी दिए। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की है। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति व्यक्तित्व विकास गुणात्मकता को लेकर चर्चा की गई। धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त संदीप सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। मिडिल स्कूल टुंडी का निरीक्षण भी किया गया। ज्ञानवापी शिवलिंग कार्बन डेटिंग मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज सुनाएगा फैसला। हिजाब बैन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कर्नाटक सरकार से अपील, केस वापस लेकर खत्म करे विवाद। बीजेपी पर बरसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा जिस दिन बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़े राहुल गांधी, लहराया तिरंगा।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज जाएंगे भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले शशि थरूर के गंभीर आरोप, खड़गे को कुछ नेताओं के खुले समर्थन पर उठाया सवाल। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ा हादसा, काया माया पार्क के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है बीजेपी, रामलीला मैदान में किया गया है भूमि पूजन। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को लेकर सीएम ने लॉन्च की है वेबसाइट, कहा एक ही जगह पर मिलेगी पूरी जानकारी। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन को एक और बड़ी सौगात, स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबे रोपवे के टेंडर को मिली है मंजूरी। श्री महाकाल लोक में अब श्रद्धालु की हर गतिविधि पर तीसरी नजर से निगरानी, मंदिर में 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कर्नाटक हिजाब मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को ठहराया है सही। हिजाब मामले पर शिवसेना नेता और प्रवक्ता मनीष कायंदे का बयान, हमारा देश विविधतापूर्ण है, दूसरों को तकलीफ हो तो सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने हिजाब मामले पर की है टिप्पणी, कहा हमारा कुरान हमारा संविधान है। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके को हाई कोर्ट से मिली है राहत। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अंधेरी उपचुनाव में विपक्ष पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत की वदिर क्रिकेट टीम ने DICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारतीय वदिर क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच MP सिंह ने कहा हमारे खिलाड़ियों में आत्मविश्वास था। भारत 8वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, भारतीय विमेंस टीम ने थाईलैंड को 74 रनों से हराया। BCCI करेगा विमेंस IPL का आयोजन, अगले साल मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट। ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, रिजवान बाबर की हाफ सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने सलमान खान के साथ मनाया अपना बर्थडे। फिल्म थैंक गॉड का स्पेशल ट्रेलर हुआ है रिलीज। रवीना टंडन ने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया करवा चौथ। एक्टर रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का हिस्सा बनी अंकिता लोखंडे। एक्ट्रेस राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक हमलावर ने कई लोगों पर गोलीबारी की, हमले में अब तक 5 लोगों की मौत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की भारत की तारीफ, कहा बढ़ती ताकत के साथ भारत करेगा G20 देशों का नेतृत्व। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने दुनिया भर से देशों को किया आगाह, कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी की तरफ बढ़ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को किंग्रिज और ताजिक राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। नाटो चीफ की चेतावनी, परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहा है रूस। सेंट्रल सर्बिया में फुटब्रिज नदी में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। फ्रांस ने पहली बार जर्मनी को प्राकृतिक गैस भेजना शुरू किया है। चीन की राजधानी बीजिंग में कम्युनिस्ट लीडरशिप की आलोचना करने वालों को सोशल मीडिया पर घेरा भी जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के सामने रखा प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर की नीति निर्माताओं से अपील, बोले कि बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार की फजीहत, एयरपोर्ट पर देखते ही चोर चोर के लगे नारे। UN में भारत की पाकिस्तान को फटकार, पाकिस्तान ने UN मंच का किया दुरुपयोग। रूस के रिहायशी इलाकों पर हमले करने पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में सुनवाई जारी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।